यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रुड़की के धंधेरा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर देर रात कुछ लुटेरों ने एक बैंक की एटीएम मशीन से रुपए लूटने का प्रयास नहीं किया बल्कि पूरी एटीएम मशीन ही उखाड़ ले गए। जिस समय एटीएम मशीन लूटी गई उस समय मशीन में करीब 7 लाख रुपए मौजूद थे। 7 लाख रुपए बताए जा रहे हैं कि एटीएम मशीन में थे। और इस घटना की खास बात ये रही कि जिस रोड पर ये एटीएम मशीन थी वो रात के समय भी अक्सर व्यस्त रहता है। हैरानी वाली बात तो ये है कि जहां एटीएम था उसके ठीक बगल में एक पेट्रोल पंप भी है। बैंक कर्मियों ने एटीएम मशीन की लूट की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद रुड़की पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि बगल में स्थित पेट्रोल पंप पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं लगा हुआ। एटीएम के बगल में ही एक बैंक है जिसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था मगर शातिर लुटेरों ने एटीएम मशीन लूटने से पहले ही सीसीटीवी कैमरे पर कोई टेप चिपका दी थी जिससे एटीएम मशीन लूटने वाली जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद नहीं हो पाई है। तो हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है। इस बार चोर इतने शातिर निकले कि एटीएम से पैसा लूटने की बजाय वो पूरी एटीएम मशीन ही लेकर फरार हो गए।